पुणी चर्चा रे काशीपुर ता पुणी अजणा रोग को नहीं। रायगढ़ जिला काशीपुर ब्लॉक मुनुसपदर पर काशीपुर ब्लॉक सीमांत कलाहांडी जिला थुआमूल रामपुर ब्लॉक अंतर्गत सरपास ग्राम रे अजणा रोग आतंक। किसी दिन तले जणे शिशुर मृत्यु होता बेले अनेक शिशु आक्रांत होती। खबर पाई ग्राम को स्वास्थ्य विभाग दल पहुंची औषध बंटन करने सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन टीम पहुंची आक्रांतों ठार नमूना संग्रह कर परीक्षण पठाई। डिप्थेरिया नामक रोग व्यापी संदेह करा जाउछि। तेरे कहुच्छे डिप्थेरिया रोग बोली किंतु एपर्त जमापड़ी प्रकृत कारण कौन। स्वास्थ्य विभाग पहुंची से लोकों सहित कथा छड़ा नमूना संग्रह कर आक्रांत जो अच्छा नमूना संग्रह कर परीक्षापी पठाई। डिप्थेरिया नामक रोग व्यापी संदेह करतमान सुधा तेरे कहीं रोग में मृत्युवरण कर शिशु अनेक शिशु आक्रांत होती से सबक परीक्षापी स्वास्थ्य विभाग पहुंची। थुआमूल रामपुर ब्लक अंतर्गत सरपास गाँव में अजणा रोग आतंक देखाई संपर्क अधिक आलोचना करवा आम सहित बर्तमान जोड़ी होती राजेश कुमार पात्र जोड़ी। राजेश स्वास्थ्य विभाग पहुंची कौन कहते से मैंने बर्तमान नमूना संग्रह कर जो मैंने आक्रांत अच्छा जना पड़ी कौन असुविधा रही कौ रोग व्यापू शिशु निहाती भाव में देखो गत काली जिते काशीपुर रोग में अजणा रोग आतंक होता है पांच शिशु मृत्युवरण करते राज्य जनस्वास्थ्य निर्देशक यह डिप्थेरिया मृत्यु होता सूचना देते अंचल आतंक खेली जाता एवं जदि कह आम कला रायगढ़ जिलार कलावर्ती सीमांत अंचल थुआमूल रामपुर अंचल सरापास ग्राम एवं आम जदि कह कोरापुट जिलार बंधुगाम ब्लक अंतर्गत कुंभारपुर ग्राम जे आक्रांत चिन्हट होता सूचना मिली तेरे को रोगर कारण डिप्थेरिया कि कौन आम तो बर्तमान सूचना दे पारे किंतु जदि कह आम से ग्राम जनस्वास्थ्य जनस्वास्थ्य विभाग टीम एवं समस्त टीम पहुंची रोगी को नमूना संग्रह करने परीक्षण पठाई जदिव बर्तमान सुधा आम पाखे रिपोर्ट हस्तगत होनी कि डिप्थेरिया नामक रोग व्यापी डब्ल्यूएचओ संदेह कर ग्राम समस्त टीम पहुंची स्वास्थ्य सेवा जगह दौरान स्वास्थ्य सेवा जगह देवा वर्तमान समय टीम मध्य सेठारे पहुंचुछंती किंतु राजेश केवल शिशु माने ही एथिरे आक्रांत होउछंती ना वयस्क मानंकु मध्य एभली अजणा रोग व्यापुछे जदि आम देखा एथिरे केवल प्राय अनेक शिशु आक्रांत होउछंती वयस्क लोकों ठारु जदि कहिबा आम शिशु को आक्रांत संख्या अधिक वृद्धि पाउछे जेहेतु या कहिबा कोणांडी सीमांतवर्ती अंचल होउ किंबा कोरापुट बर्ती सीमांत अंचल धीरे धीरे रोग व्यापार लगी जदि आम कह बर्तमान कोरापुट जिलार बंधुगाम ब्लक कुंभारीपुर ग्राम जे आक्रांत को लक्षण देखा जाता जहाँफल प्रथम प्राथमिक चिकित्सा बंधुगाम ब्लक बंधुगाम गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती करापुर से रायगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतरित करते स्वास्थ्य अवस्था बर्तमान गुरुतर हो रायगढ़ ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल पठाइवा समस्त व्यवस्था करा जाउछे। राजेश केते जणा पाखा पाकी शिशु आक्रांत होइछंती वर्तमान जदि कहिबा काशीपुर ब्लॉक रे जदि कहिबा पांच जण शिशु वर्तमान मध्य चिकित्सित होउछंती आमे जदि कहिबा थुआमूल रामपुर ब्लॉक कथा सेथिर मध्य अनेक शिशु आक्रांत होइछंती सेथि मध्यरु किछिंगांश लोकक नमूना संग्रह कर डब्ल्यूएचओ टीम सेमानक रक्त नमूना पई परीक्षण पई पठाइछंती किंतु राजेश स्वास्थ्य विभाग टीम पहुंची कौन सब पदक्षेप नि वर्तमान समय रे जदि आम कह गाँव में स्वास्थ्य विभाग टीम पहुंची रोगी को औषध बंटन कर प्रशासन गाँव में पहुंची गाँव को सानिटाइज कर ब्लीचिंग पाउडर बेचा जाऊँगी जहाँफल लोक अधिक सचेतन कर समस्त टीम बर्तमान लग पड़ते एबे लोकों को सचेतन करा जाउछि बो से माने जिमिति कि पीबा पानी हो खाद्य हो ए सबु केमिति हाइजीन वेरे से माने खाइबे ए सबु को नै कि सतर्क मध्य करा जाउछि सचेतन मध्य करा जाउछि किंतु राजेश से स्थान रे जो टीम पहुँचि छथि डाक्टरी टीम से माने अनुसंधान करूछथि जे को कारण रो एहा व्यापुथै पारे एबो अचानक भाबरे काहि कि रोगटी शिशु मानक क्षेत्र रे अधिक मात्रा देखा दिउछि वो किछि जणकर मृत्यु हितबा कथा मध्य सामना कासुछि तेबे राजेश से छोटो पिलांको क्षेत्र जो देखा दे उची तारा आउ किछि कारण से माने खोजि पाइले नि कि एपर्यंत ना परीक्षा चले छि वर्तमान सुधा देखंदो समस्त गांर जदि कहिबा पानी जल
ପାନୀୟ ଜଳର ନମୁନା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କେଉଁ କାରଣ ବ୍ୟାପୁଛି କୌଣସି ସୂଚନା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଡିପ୍ଥେରିଆ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଗଳା ଫୁଲି ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜେଶ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପୁରାପୁରି ମନିଟରିଂ କରିବେ କି ନା ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଫେରି ଆସିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ରାଇଡିଏସ୍ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିମ୍ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ଲାଗନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ରାଜେଶ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିଳମ୍ବ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 7 କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ନଦୀ ନାଳ ପାର ହୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଆଣିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ଆମ ସହିତ କାଶୀପୁର ରିପୋର୍ଟରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।